नमस्ते साथियों, पिछली क्लास में हमने महाकवि भारवि की रचना किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग स्टार्ट किया था और उस प्रथम सर्ग के 14 पद्य हम पढ़ चुके थे। प्रथम सर्ग के 14 पद्य के बाद अगले पद्य से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। शेष पद्यों में वनेचर युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृत्तांत किस प्रकार कहते हैं, दुर्योधन की शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रकट करते हैं, आइए हम इन पद्यों के माध्यम से जानते हैं। पिछली क्लास में हम यहाँ तक 14 पद्य तक पढ़ चुके थे। पिछली क्लास तक हम यहाँ पढ़ चुके थे कि वह दुर्योधन अपने चारों ओर अपने आत्मीय सैनिकों को नियुक्त करने के बावजूद आशंकित रहता था। क्यों रहता था आशंकित? क्योंकि उसे युधिष्ठिर से आक्रमण का भय था, अर्जुन से आक्रमण का भय था। और पिछली क्लास के अंतिम श्लोक में हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो दुर्योधन है वह कृतज्ञ हैं, वह कृतज्ञ नहीं है। अनुजीवी सात कृता, अपने अनुजीवियों को, अपने सेवकों को सत्कार में संपदा, जो संपत्तियां वह देता है वे संपत्तियां ही अस्य कृतज्ञता वदंती, इसकी कृतज्ञता को प्रकट करती है। ठीक है, इसके बाद हम आज की क्लास में 17वां पद्य लेते हैं। 17वें पद्य में आइए देखते हैं वनेचर क्या कहता है। वनेचर कह रहा है, सुखे न लभ्या ददतः कृषि वले अकृष्ट पच्या इव सस्य संपद वितन्वती क्षेम ममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकाशति। वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन के शासन में किसान भी बहुत खुश हैं। दुर्योधन ने किसानों के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन मुहैया करवा रखे हैं। कूप, नलकूप, तालाब, बावड़ी, नहरें, नदियाँ, ये इन सब की इतनी समुचित व्यवस्था कर रखी है कि किसानों को वर्षा के जल पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं है। वनेचर कहता है कि तस्मिन, उस दुर्योधन के, यहाँ तस्मिन शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए हुआ है, तस्मिन उस दुर्योधन के चिराय लंबे समय से क्षेमम वितनवती, क्षेम कहते हैं कल्याण को, दुर्योधन द्वारा लंबे समय से कल्याणकारी कार्य वितनवती, फैलाने के कारण, तन धातु का अर्थ होता है फैलाना। दुर्योधन अपने राज्य में हस्तिनापुर में लंबे समय से क्षेमम वितनवती, कल्याण फैला रहा है, कल्याणकारी कार्य कर रहा है। तो तस्मिन उस दुर्योधन के चिराय लंबे समय से क्षेमम वितनवती, कल्याणकारी कार्य करने के कारण अदेव मातृका कुरुव, अर्थात कुरु देश के निवासी अदेव मातृका, देव कहते हैं वर्षा को, और अदेव मातृका का अर्थ है वर्षा पर निर्भर नहीं रहने वाले। तो अदेव मातृका कुरुव, वर्षा पर निर्भर नहीं रहने वाले कुरु देशवासी चकाशति, प्रसन्न रहते हैं। चकाशति का अर्थ है प्रसन्न रहना। तो तस्मिन उस दुर्योधन के, सती सप्तमी है यस्य च भावेन भाव लक्षण, तस्मिन उस दुर्योधन के चिराय लंबे समय तक क्षेमम वितनवती, कल्याणकारी कार्यों के विस्तार करने के कारण अदेव मातृका कुरुव, वर्षा काल पर निर्भर नहीं रहने वाले कुरुदेश के वासी चकासति प्रसन्न रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि कृषि वले, किसानों के द्वारा, कृषि वले अर्थात किसानों के द्वारा अकृष्ट पच्या, कृषि वले र का विसर्ग बन जाएगा, अशेष रहेगा, कृषि वले किसानों के द्वारा अकृष्ट पच्या सस्य संपद,
अकृष्ट बिना जोते ही पच्या पकी हुई, खेत को जोता ही नहीं फिर भी फसल उग गई। तो अकृष्ट पच्या, खेत को बिना जोते ही जो उत्पन्न हो गई ऐसी सस्य संपद, ऐसी फसल रूपी संपत्ति को सुखेन लभ्या, वे किसान सुखपूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। कृषि वले में तृतीया है क्योंकि लभ्या में ण्यत प्रत्यय है, कृत्य प्रत्ययों के योग में तृतीय आएगी कर्ता में। तो कृषि वले सुखेन लभ्या, किसानों के द्वारा सस्य संपद सुखेन लभ्या, फसल रूपी संपत्ति सुखपूर्वक प्राप्त की जा रही है, सिंचाई की जरूरत ही नहीं है, सॉरी वर्षा की जरूरत ही नहीं है, सिंचाई के साधन ही पर्याप्त, इसलिए सारे कुरुवासी प्रसन्न रहते। 19वां पद्य है, 19वां पद्य दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करता है, या यूं कहें कि दुर्योधन के जो सैनिक हैं उन सैनिकों की स्वामी भक्ति को प्रकट करता है, उन सैनिकों की दुर्योधन के प्रति समर्पण को प्रकट करता है। इस पद्य में कहा है कि धनुर्भृत अर्थात धनुष को धारण करने वाले, तो धनुर्भृत का अर्थ है यहां पर सैनिक, तो धनुर्भृत उस दुर्योधन के सैनिक, तस्य उस दुर्योधन का, तस्य का अर्थ है दुर्योधन का, अशुभी वांछन्ति, अशुभी वांछन्ति अशुभी, यण संधि है। धनुर्भृत सैनिक अशुभी प्राणों से, अशु कहते प्राण को, अशु का तृतीय बहुवचन है अशुभी, धनुर्भृत सैनिक अशुभी प्राणों से तस्से उस दुर्योधन का प्रयाणी हित, प्रिय मतलब हित, उस दुर्योधन का हित समी हितुम वांछन्ति संपन्न करना चाहते हैं। धनुर्भृत तस्से प्रयाणी सैनिक उस दुर्योधन के प्रयाणी अर्थात हितों को, दुर्योधन के हित को समी हितुम वांछन्ति करना चाहते हैं, दुर्योधन का हित करना चाहते हैं, किसके द्वारा, अशुभी प्राणों के द्वारा, अर्थात प्राण देकर भी दुर्योधन का हित करना चाहते हैं। कहने का भाव ये है कि दुर्योधन के लिए उसके सैनिक अपने प्राण तक देने के लिए तैयार रहते हैं, दुर्योधन के हितों के लिए इतनी स्वामी भक्ति है दुर्योधन के सैनिकों में, और इतना विश्वास है सैनिकों को अपने स्वामी पर कि वह जो सैनिक हैं वे सैनिक दुर्योधन के प्रयाणी, दुर्योधन के हितों को अशुभि समी हितुम वांछन्ति प्राणों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, दुर्योधन के लिए प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। कैसे सैनिक, अब यहां पर सैनिकों के फिर विशेषण हैं। पहला विशेषण महोजसो, महान ओज वाले अर्थात महापराक्रमी सैनिक, और मानधना स्वाभिमान को ही धन समझने वाले सैनिक, धनार्चिता धन के द्वारा पूजे गए सैनिक, जिनको दुर्योधन ने धन देकर के संतुष्ट किया है ऐसे सैनिक, और संयति, संयति कहते हैं युद्ध को, और युद्ध में लब्ध कीर्तय यश प्राप्त करने वाले सैनिक, अपना शौर्य दिखा करके जिन्होंने युद्ध में कीर्ति को लब्ध किया है ऐसे लब्ध कीर्ति, ऐसे यश प्राप्त सैनिक, और न संहता स्वार्थ रहित, न संहता का अर्थ है स्वार्थ रहित, और न भिन्न वृत्तय, न भिन्न वृत्तय का अर्थ है जिनकी भिन्न वृत्ति नहीं है, जिनका विरोधी स्वभाव नहीं है, सब एकजुट होकर रहते हैं। तो न संहता मतलब स्वार्थ रहित, और न भिन्न वृत्तय मतलब विरोध रहित, ये सारे सैनिकों के विशेषण हैं। तो इस पद्य का संपूर्ण अर्थ ये होगा कि महान पराक्रमी, स्वाभिमान रूपी धन वाले, धन के द्वारा संतुष्ट किए गए, युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, स्वार्थ रहित और विरोध रहित सैनिक, प्राणों के द्वारा उस दुर्योधन के हितों को पूरा करना चाहते हैं।
ये इस पद्य का पूरा अर्थ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पद्य आता है मही भ्रताम सच्चरिते है। मही भ्रताम सच्चरितेश्चरे क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रिया महोदयस्तस्यहितानुबन्धिभि प्रतीयते धातुरिवेहितं फले। इस पद्य में कहा है स अर्थात वह दुर्योधन। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि मही भ्रताम सच्चरितेश्चरे सवेद निःशेषम अशेषित क्रिय इत्यत्र स का आंसर होगा दुर्योधन। स वह दुर्योधन। अब वह दुर्योधन कैसा है? निःशेषम अशेषित क्रिय, निःशेषम अशेषित क्रिय, अशेषित क्रिय जो क्रिया को शेष नहीं रखता, जो किसी भी कार्य को शेष नहीं रखता, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, अर्थात समाप्ति पर्यंत कार्य करने वाला। तो अशेषित क्रिय यहाँ पर दुर्योधन का विशेषण है और इसका अर्थ है समाप्ति पर्यंत कार्य करने वाला। तो यहाँ पर अन्वय होगा कि अशेषित क्रिय स अर्थात समाप्ति पर्यंत कार्य करने वाला वह दुर्योधन। चरेह गुप्तचरों के द्वारा अशेषित क्रिय स समाप्ति पर्यंत कार्य करने वाला वह दुर्योधन चरेह गुप्तचरों के द्वारा महीभ्रताम राजाओं के, कौन से राजाओं के? मित्र राजाओं के नहीं, शत्रु राजाओं के। महीभ्रताम शत्रु राजाओं के निःशेषम समस्त, निःशेषम यानी समस्त क्रियाओं को वेद जान लेता है। किसके द्वारा? चरेह गुप्तचरों के द्वारा। उसके गुप्तचर कैसे? सच्चरिते अच्छे चरित्र वाले, सच्चरित्र वाले। तो सच्चरिते है चरे, चरे में तृतीय एकवचन है, सच्चरिते में भी तृतीय एकवचन है। इसका मतलब ये सच्चरिते जो शब्द है वो चरे का विशेषण है। अशेषित क्रिय ये तो विशेषण है स अर्थात उस दुर्योधन का, और सच्चरिते ये विशेषण है चरे अर्थात गुप्तचरों का। तो अशेषित क्रिय स समाप्ति पर्यंत कार्य करने वाला वह दुर्योधन, सच्चरिते है चरे अच्छे चरित्र वाले गुप्तचरों के द्वारा महीभ्रताम शत्रु राजाओं की निःशेषम क्रिया समस्त कार्यों को वेद जान लेता है कि वो शत्रु इस समय क्या क्या कार्य कर रहा है, क्या क्या योजना बना रहा है, उसकी सारी गतिविधियों को गुप्तचरों के माध्यम से दुर्योधन जान लेता है। दूसरी जो पंक्ति है नीचे वाली और बढ़िया पंक्ति है परीक्षा में आने लायक, इसमें कहा गया कि तस्य उस दुर्योधन के इहितम धातु इव इहितम, ये इसका पदच्छेद है। इहितम, इहित का अर्थ है कार्य, जो वो कार्य करना चाहता है दुर्योधन। इहित का अर्थ होगा यहां पर कार्य। तो तस्य इहितम उस दुर्योधन के कार्यों को प्रतीयते लोग जानते हैं। तस्य इहितम दुर्योधन के कार्य को, उद्योग को प्रतीयते लोग जानते हैं, लेकिन प्रारंभ से नहीं, वो जब काम शुरू करता है तब किसी को पता नहीं चलता कि दुर्योधन क्या कर रहा है। उसके कार्यों को लोग प्रारंभ से नहीं जानते बल्कि फले परिणाम से जानते हैं। जब रिजल्ट आता है उस कार्य का, जब काम पूरा हो जाता है, तब लोग जानते हैं कि अच्छा ये काम इसलिए किया था दुर्योधन ने। आरंभ में तो सभी बाजे बजाते हैं, हम ये करेंगे जनता के लिए, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वादे करते हैं ना। हमारी सरकार सत्ता में आई तो सभी को बिजली मुफ्त मिलेगी, 15 लाख नौकरियां देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डलवा देंगे,
24 घंटे बिजली देंगे, बहुत सारे वादे करते हैं। लेकिन दुर्योधन उनमें से नहीं था जिसके कार्यों को लोग आरंभ से जाने, वादों से जाने, नहीं, जिनके वो वैसा व्यक्ति था जिसके कार्यों को लोग परिणाम से जानते थे। पूरे 24 घंटे बिजली आ जाती थी, उसके बाद दुर्योधन के बारे में जानते थे कि दुर्योधन ने ऐसा कर दिया, पहले नहीं कहता था कुछ भी। सबके खाते में 15-15 लाख आ जाते थे, तब पता चलता था कि अरे 15 लाख आ गए, पता ही नहीं चला हमें, बताया नहीं किसी ने, हमें तो सीधा अकाउंट में बैलेंस देखा, 15 लाख रुपए मिले उसमें हमको। परिणाम से जानते हैं लोग उसके कार्यों को। तो तस्य ही हितम, उस दुर्योधन के कार्यों को फले प्रतीयते, लोग परिणाम से जानते हैं, आगाज से नहीं जानते, अंजाम से जानते हैं। कैसे परिणाम से? हितानुबंधी भी, हितप्रद परिणामों से। उसके कार्यों का जो परिणाम होता है ना, वो हमेशा प्रजा के हित में होता है। और महोदय वृद्धिशाली, वृद्धिशाली परिणाम, जिससे प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा का कल्याण होता है, समृद्धि बढ़ती है। तो उसके जो फले है, परिणाम है दुर्योधन के, उसके दो विशेषण बताए फले के, तृतीय बहुवचन है फले में, तो इसके विशेषण में भी तृतीय बहुवचन होगी, महोदय और हितानुबंधु भी। हितप्रद और महोदय मतलब उन्नतिशील, अच्छे परिणाम वाले। तो उसके महोदय महान, उन्नति वाले, वृद्धि वाले, और हितानुबंध भी हितपद परिणामों के द्वारा ही लोग तस्य इहितम, उसके कार्यों को प्रतीयते जानते हैं। किसके समान? धातु इव, विधाता के समान, ईश्वर के समान। जैसे ईश्वर कोई काम करता है ना, तो लोग प्रारंभ से नहीं जानते, बल्कि विधाता के कार्यों का जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आने के बाद लोग कहते हैं कि यार जो भी होता है सही हुआ, जो भी हुआ सही हुआ, भगवान जो भी करता है सही करता है। स्टार्टिंग में तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, पता नहीं भगवान क्या चाहता है, ऐसी सजा क्यों दे रहा है, ऐसा बिल्कुल मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। लेकिन एक दो साल बाद फिर आदमी सोचता है कि यार जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। वास्तव में विधाता के जो कार्य है ना, उनको लोग परिणाम के द्वारा ही जानते, प्रारंभ से नहीं जानते। जैसे मान लीजिए आप हैं, अब 6 महीने बाद एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं जी जान से, लेकिन माता पिता खेत पर काम कर रहे हैं। अब गांव के लोग कर रहे हैं कि देखो माता पिता तो खेत पे काम कर रहे हैं, ये उसको दया नहीं आती, उन पे थोड़ी देर भी हेल्प नहीं कराता, जैसे ये पढ़ पढ़ के कलेक्टर बनेगा, दिन भर पढ़ता ही रहता है। अब आपका क्या कर्तव्य है? आप जाके हेल्प कराओगे उनकी? करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? आपने क्या किया, आप सारी किताबें समेट कर बैग भर के और घर छोड़ के शहर में आ गए, 6 महीने यहीं रहे, पिताजी काम कर रहे हैं, पसीने में लथपथ हो रहे हैं तो होने दो, माँ परेशान हो रही है तो होने दो, निर्दयी हो गए आप 6 महीने के लिए। गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने खूब कहा आपसे, किन बूढ़े माँ बाप को छोड़ के वहाँ कहाँ जा रहा है तू, इनकी सेवा कर, यहाँ पढ़ भी ले और सेवा भी कर। आपने किसी की नहीं सुनी, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप वापस गांव चल गए, उनकी हेल्प करने लग गए, और जब रिजल्ट आया तो सारे गांव वालों को, रिश्तेदारों को जब पता चला कि उसकी सर्विस लग गई, सिलेक्शन हो गया उसका, तो लोग कहेंगे कि वास्तव में जो यहाँ से तू किताबें समेट करके बैग भर के शहर गया था वो बिल्कुल सही किया था। लोगों ने आपके काम को किससे जाना? आपके उस काम के परिणाम से जाना, क्योंकि उसका परिणाम माँ बाप के लिए हितकारी था। अब आजीवन, जैसे नौकरी लगी तो आपने कह दिया कि अब घर पे बैठो, अब कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, हर महीने पेमेंट आएगा, आराम से अपना खर्चा चलेगा, कहीं से कहीं तक किसी प्रकार के अभाव का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है? आपने जो काम किया उसको लोगों ने उसको परिणाम से जाना। कैसे परिणाम से? हितानुबंधी भी,
क्योंकि उससे माँ बाप का हित हुआ हमेशा के लिए। मेहनत करते साथ देते तो 6 महीने हित होता, लेकिन अब तो जीवन भर हित हो गया। और महोदय हमेशा वृद्धिशाली परिणाम रहेंगे, हमेशा परिवार आगे बढ़ता ही रहेगा उससे। ठीक है, इसके बाद अगला श्लोक लेते हैं। अगले पद्य में 21वें पद्य में वह नेचर कहता है, न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु कृतम न वा कोप विजिम्म माननम। न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतम धनु न कृतम न वा कोप विजिम्म माननम। गुणानुरोधेन गुणानुरागेन शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। इसमें वनेचर कह रहा है कि वो जो दुर्योधन है वो कभी गुस्सा नहीं करता, वो दुर्योधन कभी गुस्सा नहीं करता, क्रोध में उसने कभी भी धनुष की प्रत्यंचा नहीं उठाई किसी के लिए, दूसरे राजाओं के लिए। तेन उस दुर्योधन द्वारा क्वचित कभी भी सज्जम ज्या सहित, ज्या मतलब प्रत्यंचा डोरी, कभी भी सज्जम ज्या सहित धनुष न उद्यतम नहीं उठाया। तेन उस दुर्योधन के द्वारा क्वचित कभी भी सज्जम धनु प्रत्यंचा सहित धनुष न उद्यतम नहीं उठाया कभी भी उसने किसी के लिए। और तेन उसने उसके द्वारा कभी भी कोप क्रोध के कारण आननम मुख को विजिमम टेढ़ा न कृतम नहीं किया गया। उसने क्रोध के कारण कभी भी मुख को टेढ़ा नहीं किया, या जिम्म का अर्थ है क्रोध, उसके द्वारा कभी भी क्रोध से मुख को टेढ़ा नहीं किया गया, अर्थात उसके मुख पर कभी भी गुस्सा नहीं देखा, न उसने कभी किसी के लिए धनुष उठाया। फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया किसी पर, धनुष भी नहीं उठाया कभी, उसके बावजूद नराधिपेह राजाओं के द्वारा, जो अन्य राजा थे दूसरे, उन राजाओं के द्वारा अस्य शासनम इस दुर्योधन का शासन, इस दुर्योधन का आधिपत्य शिरोभि माल्यमेव माला के समान शिरोभि सिर पर उयते धारण किया जाता है। लोग इसके शासन को, इसकी आज्ञा को, इसके आधिपत्य को माल्यमेव माला के समान शिरोभि उयते सिर से धारण करते हैं, सिर से स्वीकार करते हैं इसके शासन को। इसने जो कह दिया वो अंतिम है, सिर झुका कर स्वीकार करते हैं, डरते नहीं हैं इससे, क्योंकि इसने कभी धनुष ही नहीं उठाया, कभी क्रोध नहीं आया इसको, इसका मतलब भय तो है ही नहीं। फिर भी बिना क्रोध के भी, बिना धनुष उठाए भी लोग इसके शासन को माला के समान शिरोभि उजते सिर से धारण करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? गुणानुरागेण, इसके गुणों से प्रेम करने के कारण। हे तो सूत्र से तृतीयाई, गुणानुरागेण इसके गुणों से अनुराग होने के कारण, इसके गुणों से प्रेम होने के कारण। जब किसी के गुणों से हमें प्रेम हो जाता है ना, तो फिर उसने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, फिर हम उचित अनुचित का विचार नहीं करते। जब किसी के गुणों से प्रेम हो जाता है, जब देखते हैं कि गुणवान व्यक्ति हैं, गुणी व्यक्ति हैं, तो फिर उसकी जो बात है ना, उसका जो कथन होता है ना, वही अंतिम सत्य होता है अपने लिए। इतना विश्वास होता है उसके गुणों पर, इतना प्रेम होता है उसके गुणों से। ठीक है, 22वां श्लोक लेते हैं। सयोवराज्यम नवयोवनोद्धतम निधाय दुशासन मिद्ध शासन मखेश्व खिन्नोनुमतः पुरोदशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इसमें वनेचर कहता है कि वह दुर्योधन समृद्ध शासन वाला है, और उसका जो पुत्र है, उसका जो छोटा भाई है दुशासन, वो दुशासन उस समय नवयुवक है, नौजवान हो गया, तो उस नवयुवक
दुशासन पर राज्य का भार सौंप करके, छोटे भाई पर राज्य का भार सौंप करके और वो यज्ञ करने निकल पड़ा पुरोहित की आज्ञा से, पुरोहित की अनुमति से। इसी बात को वनेचर कह रहा है वनेचर कहता है कि इद शासन वाला, इद शासन का अर्थ है समृद्ध शासन, समृद्ध शासन वाला स वह दुर्योधन, इद शासन स समृद्ध शासन वाला वह दुर्योधन, योग राज्य नव यौवनोद्धतम दुशासनम, नव यौवन से उद्धत नवीन युवावस्था को प्राप्त दुशासनम, छोटे भाई दुशासन को यौव राज्य युवराज के पद पर निधाय अधिष्ठित करके, उसको युवराज बना करके और उसके कंधों पर राज्य का भार सौंप करके, और वह युद्ध शासन दुर्योधन, वह समृद्ध शासन वाला दुर्योधन पुरोदशा अनुमत, पुरोहित की अनुमति से अखिन्न मखेशु, अखिन्न मख कहते हैं यज्ञ को, मखेशु अखिन्न यज्ञ में अखिन्न रहता हुआ, यज्ञ से कभी खिन्न नहीं होने वाला वह दुर्योधन हव्येन हवि के द्वारा, घी के द्वारा, हिरण्यरेतसम हिरण्यरेतस कहते हैं अग्नि को, हवि के द्वारा अग्नि में धिनोति हवन कर रहा है, आहुति दे रहा है, अर्थात वह धर्म भी कर रहा है, केवल रजोगुण से ही वह यश प्राप्त नहीं कर रहा बल्कि वह सत्व गुण से धर्म भी अर्जित कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है वह, और समय रहते दुशासन को राज्यभार सौंप गया और खुद यज्ञ कर रहा है। 23वां पद है प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुव सचिन्तयत्तेव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वनेचर कहता है कि वो जो दुर्योधन है वो भूमंडल पर शासन कर रहा है, स वह दुर्योधन भुवः मंडलम भूमंडल पर प्रशासत शासन करता हुआ, प्रशासत सत्री प्रत्यय है, स दुर्योधन भुवः मंडलम संपूर्ण भूमंडल पर प्रशासत शासन करता हुआ, भूमंडल पर शासन करता हुआ, कितना भूमंडल, कहाँ तक भूमंडल, आवारिधि प्रशासद आवारिधि वारिधि तक अर्थात समुद्र तक, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ वह दुर्योधन, आवारिधि समुद्र पर्यंत भूमंडलम भूमंडल पर प्रशासत शासन करता हुआ स वह दुर्योधन, कैसा है उसका शासन, स्थिरायति स्थिर शासन, उसके साम्राज्य पर कोई संकट भी नहीं है, स्थिर शासन है उसका, और प्रलीन भूपालम प्रलीन भूपाल, भूपाल मतलब राजा, प्रलीन यानी नष्ट, नष्ट हो गए हैं राजा मतलब विरोधी राजा शत्रु राजा, उसका कोई शत्रु ही नहीं है अर्थात विपक्ष रहित, उसका कोई विपक्ष ही नहीं है शत्रु ही नहीं है, तो प्रलीन भूपाल का अर्थ है शत्रु रहित या विपक्ष रहित, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि आवारिधि समुद्र पर्यंत प्रलीन भूपालमपि शत्रु रहित स्थिरायति और स्थिर, समुद्र पर्यंत शत्रु रहित और स्थिर भूमंडलम प्रशासत भूमंडल पर शासन करते हुए, शत्रु रहित और स्थिर समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ स वह दुर्योधन, त्वद
यश्यति आपसे आने वाली, तद यश्यति आपसे आने वाली, आपसे प्राप्त होने वाली भी यह विपत्ति का हमेशा चिंतयति चिंतन करता रहता है। समुद्र पर्यंत उसका राज्य है, उसका कोई शत्रु नहीं है, स्थिर साम्राज्य है उसका। ऐसे साम्राज्य पर शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन त्वद इष्यते आपसे आने वाली, भविष्य में आपसे आने वाली विपत्ति का भी अर्थात विपत्ति का चिंतयति चिंतन करता रहता है, डर लगा रहता है उसको हमेशा आपका। क्यों डर लगा रहता है, क्यों हमेशा शंकित बना हुआ है वह? इसलिए बना हुआ है, अहो अरे बलवद विरोधिता, बलवान व्यक्ति के साथ अगर आप विरोध करेंगे, शत्रुता करेंगे, तो दुरंता उसका परिणाम तो बुरा ही होगा, उसका अंत तो दुर अर्थात बुरा ही होगा। वीर बलवत बलवान व्यक्ति के साथ विरोधिता अगर शत्रुता करोगे तो दुरंता उसका परिणाम बुरा ही होगा, जैसा दुर्योधन के साथ हो रहा है, क्योंकि उसने हे महाराज युधिष्ठिर आपके साथ शत्रुता कर ली, आप जैसे बलशाली के साथ शत्रुता की है तो इसका परिणाम तो बुरा ही होगा, इसलिए वह कांपता रहता है हमेशा आपसे आने वाली, आपकी तरफ से जो विपत्ति आने वाली है हमेशा उसका चिंतन करता रहता है, उसकी चिंता करता रहता है। ये सूक्ति है इसमें, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान व्यक्ति के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा ही होता है। 23वां पद्य कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं 24वां पद्य है। वनेचर कह रहा है 24वें पद्य में, कथा प्रसंगेन जनेरुदाहृतात् अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रमाः तवाभिधानात् व्यथते नतानन सदुस्सहाद् मंत्रपदादिवोरग। वनेचर कहता है कि वह सिंहासन पर बैठा रहता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मंत्रियों से बातें करता रहता है। अब बातचीत चलती रहती है, अगर बातचीत के प्रसंग में किसी ने अगर आपका नाम भी ले लिया तो आपका नाम सुनकर एकदम से कांप जाता है वो, उसका मस्तक एकदम से झुक जाता है, नीचा हो जाता है वो डर के मारे। इस प्रकार नीचे झुक जाता है जैसे कोई सांप होता है, सांप अपना फन फैला के काटने के लिए तैयार है, लेकिन किसी ने सांप को वश में करने का मंत्र पढ़ दिया किसी ने, उस मंत्र में गरुड़ का नाम आ जाता है कहीं, तो गरुड़ का नाम सुनते ही वो सांप अपना अपनी गर्दन मस्तक नीचे झुका लेता है, वो फन जो होता है ना उसका, उसको समेट लेता है डर के मारे। सांप का जर उतारने का जो मंत्र होता है ना, उस मंत्र में भी यही होता है, तो सांप फिर उससे वश में आ जाता है, फिर वो फन फनाता नहीं है मंत्र पढ़ने से। तो उस मंत्र के समान यहाँ पर बताएं युधिष्ठिर को, जिस प्रकार मंत्र को सुनने से सांप अपना मस्तक नीचा कर लेता है, उसी प्रकार हे महाराज युधिष्ठिर आपका नाम सुनने से दुर्योधन मस्तक नीचा कर लेता है। देखो किन शब्दों में इस बात को कहा है वनेचर ने, वह कह रहे हैं कि कथा प्रसंगेन, वनेचर कह रहा है कि कथा प्रसंगेन बातचीत के प्रसंग में जने लोगों द्वारा यदि तवाभिधानात, यदि आपके नाम का अभिधान मतलब नाम, आपके नाम का उदाहरितात यदि उच्चारण भी कर दिया, आपके नाम का उच्चारण कर लेने से उस दुर्योधन के दिमाग में सीधी एक ही बात आती और वो आती है अर्जुन का पराक्रम। दुर्योधन को डर सिर्फ अर्जुन से ही है, आपका नाम आते ही उसे अर्जुन का बल याद आ जाता है। कथा प्रसंगेन जने उदारितात अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रमा, कथा प्रसंगेन बातचीत के प्रसंग में जने लोगों द्वारा तवाभिधानात उदाहरतात आपका नाम
बोल देने मात्र से। अनुस्मृत आखंडल सोनु विक्रम, आखंडल मतलब इंद्र, सोनु मतलब पुत्र, इंद्र का पुत्र कौन है? अर्जुन। आखंडल सोनु मतलब अर्जुन का, विक्रम मतलब पराक्रम, अनुस्मृत याद आ जाता है। आपका नाम लेने मात्र से अर्जुन के पराक्रम को याद करता हुआ वह दुर्योधन स, वह दुर्योधन नताना आनन मुख नत नीचे झुका लेता है, उसका मुख नीचे झुक जाता है। किसके समान? दुस्सहात मंत्र पदार्थ, जिस प्रकार दुस्सह मंत्र पदों को, दुस्सह मंत्र के पदों को सुनने से उरग इव उरग, उरग यानी सांप, जिस प्रकार मंत्र के शब्दों को सुन करके गरुड़ या वासुकी का नाम सुन करके सांप अपना मुख नीचे झुका लेता है, उसी प्रकार आपका नाम सुनने से दुर्योधन मुख नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसे अर्जुन का पराक्रम याद आ जाता है। 25वां श्लोक देखें आप, ये वनेचर की अंतिम उक्ति है। वनेचर यहां अपनी बात खत्म करके चला जाएगा। वह कह रहा है तदा शुकर तुम त्वयि जिम्ममुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिशारा खलु मादृशाम गिरः। वनेचर कह रहा है कि महाराज वह जो दुर्योधन है वह आपके प्रति कपट करना चाहता है, त्वयि आपके प्रति, जिम्मम जिम मतलब कपट, आपके प्रति जिम्मम कर तुम कपट करने के लिए उद्यत तैयार, तो ये जिम्मम कर तुम उद्यते आपके प्रति कपट करने के लिए तैयार उस दुर्योधन तत्र, उस दुर्योधन के प्रति उत्तरम विधेयम, विधेय मतलब करने योग्य कार्य, उत्तरम यानी बदले में, बदले में जो करने योग्य कार्य करना है आपको वो तो कपट करेगा, लेकिन बदले में आपको जो करना है आप क्या करोगे वो विधेय, उत्तरम विधेय बदले में किया जाने वाला कार्य अर्थात प्रतिकार, विधेयम उत्तरम का अर्थ यहाँ पर प्रतिकार, जो वो करेगा उसके प्रतिकार में आप क्या करोगे, बदले में आप क्या करोगे। तो त्वयि जिम्मम कर्तुम उद्यते आपके प्रति कपट करने के लिए तैयार तत्र उस दुर्योधन के विषय में उत्तरम विधेयम आपको जो प्रतिकार करना है वो प्रतिकार विधेयताम कीजिए आशु शीघ्र ही आप वो प्रतिकार कीजिए जो आपको करना है। हमारा क्या है, हम तो केवल वृत्तांत का ज्ञान कराते हैं, जो सूचना मिली वो लाके हमने आपको दे दी, अब आपको जो करना है वो प्रतिकार आप कीजिए, हम तो केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले दूत हैं। वह कह रहा है कि पर प्रणीतानी दूसरों के द्वारा बोले गए वचांसी वचनों को चिन्वताम चुनने वाले, हम तो दूसरों की बातों को चुनने वाले हैं, दूसरों की बातों को ग्रहण करके स्वामी से निवेदन करने वाले हैं, इस बात को उधर पहुंचाना है, उधर की बात को इधर पहुंचाना है, इधर की बात उधर पहुंचाना है, यही हमारा काम है। पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम दूसरे के द्वारा कही गई बातों को यत्र तत्र पहुंचाने वाले मादृशाम गिरह, हम जैसे गुप्तचरों की गिरह अर्थात वाणियां, मादृशाम यानी हम जैसे मुझ जैसे गुप्तचर गुप्तचरों की गिरह वाणी, हम जैसे की वाणी तो प्रवृत्तिशारा प्रवृत्ति यानी वृत्तांत, वृत्तांत का बोध कराती हैं, वस्तु स्थिति से अवगत कराती हैं हम जैसों की वाणियाँ, तो बाकी जो भी करना है वो तो आपको ही करना है, आपको जो प्रतिकार करना है आप कीजिए। इसमें सुक्ति हैं ये प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिर, मादृशाम शब्द किसके लिए आया, वनेचर के लिए आया, यहाँ पर ये वनेचर की उक्ति है, ये सुक्ति है यहाँ पर, और ये पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, आंसर होगा वनेचर का। अब इसके बाद युधिष्ठिर ने वनेचर को जो भी उपहार देना था भेंट देनी थी देकर उसको विदा कर दिया। अब वनेचर कृष्णा के सदन में जाते हैं, कृष्णा मतलब द्रौपदी, द्रौपदी के सदन में जाता है,
वहाँ जा कर के द्रौपदी से सारा वृतांत कह देता है हस्तिनापुर का, जो भी वनेचर ने सुनाया वो सारा वृतांत वो द्रौपदी से कह देता है। अब द्रौपदी बोलती, द्रौपदी क्या कह रही है देखो आप, 28वां पद्य है, 28वें पद्य में द्रौपदी की उक्ति है, द्रौपदी की उक्ति देखें। द्रौपदी कह रही है भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेपयिवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधय। वह कहती है कि महाराज मैं स्त्री हूँ, आप एक स्वाभिमानी मनस्वी पुरुष हो और आपको कोई स्त्री उपदेश दे तो ये आपसे सहन नहीं होगा, और मैं देना भी नहीं चाहती आपको कोई उपदेश, आपको कोई सलाह देना भी नहीं चाहती मैं, लेकिन क्या करूँ, मेरी मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रही है। एक नारी पुरुष को उपदेश दे ये नारी के आचरण के विरुद्ध हैं, उसकी शालीनता के विरुद्ध हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मनोव्यथाएं मुझे बाध्य कर रही है बोलने के लिए। वो द्रौपदी कह रही हैं कि हे महाराज, प्रमदाजनोदितम, प्रमदा कहते हैं स्त्री को, प्रमदाजन स्त्री जन द्वारा उदित बोला गया, वद धातु कत प्रत्यय उदित, प्रमदाजन उदितम स्त्री जन के द्वारा बोला गया, कहा गया अनुशासनम उपदेश सलाह, स्त्री के द्वारा दी गई सलाह भवादृशेषु आप जैसे लोगों के लिए अधिक्षेप बहुती अपमानजनक होता है, अधिक्षेप यानी तिरस्कार अपमान, स्त्रियां अगर आपको उपदेश देती हैं तो आप जैसे लोगों के लिए तिरस्कार की तरह हैं, आप इसको तिरस्कार समझते हो, नहीं देना चाहती मैं कोई उपदेश सलाह आपको, लेकिन मैं क्या करूं, दुराधय आधी, आधी मतलब मानसिक व्यथा, व्याधि तो शारीरिक व्यथा और आधि मानसिक विधा, दुर प्लस आधि दुराधि, और आधि का बहुवचन आधय दुराधय, और दुराधय मेरी मानसिक व्यथाएं, निरस्त नारी समया, समया का मतलब होता है शालीनता, नारी की शालीनता को निरस्त नष्ट करने वाली, नारी की शालीनता को नष्ट करने वाली मेरी मानसिक व्यथाएं, दुराधय का विशेषण है निरस्त नारी समया, दुराधय मेरी मनोव्यथाएं, कैसी मनोव्यथाएं, निरस्त नारी समया स्त्री जन स्त्रियोचित शालीनता को निरस्त करने वाली, स्त्रियोचित समया स्त्रियोचित शालीनता को नष्ट करने वाली मेरी मनोव्यथाएं माम मुझे, वक्तुम व्यवसायंति वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायति बाध्य कर रही है, इसलिए आज तो मैं बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे मेरी मनोव्यथाएं मेरा मन जो अंदर से व्यथित है वो मुझे बोलने के लिए बाध्य कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल तो उसे कौन मना कर रहा है, बोल, द्रौपदी कर रही है अखंड माखंडल तुल्य धाम वेश्चिरं धृता भूपति भी स्ववंशजे त्वयात्महस्तेन महि मदच्युता मतंग जैन स्रगिवाप वर्जिता। द्रौपदी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि महाराज जो राज्य आपने जुए में हारा है, जिस राज लक्ष्मी को आपने अपने हाथों से शत्रु को सौंप दिया, आपको पता है वो राजलक्ष्मी आपके पास कैसे आई, उस राजलक्ष्मी को उस राज्य को महाराज युधिष्ठिर आपने अपने पराक्रम से अर्जित नहीं किया, वह आपको वंशानुक्रम से मिला था राज्य, वह राजलक्ष्मी आपको वंशानुक्रम से मिली थी और उस राजलक्ष्मी को आपने आपके पूर्वजों ने अपने पराक्रम से अर्जित किया था और कई पीढ़ियों तक उस राज्य को उन्होंने संचालित किया था,
स्थिरता प्रदान की थी उस राज्य को, और जिस राज्य को आपके पूर्वजों ने अपने पराक्रम से अर्जित किया और इतने सालों तक उसको स्थिरता प्रदान की, उस राज्य को अपने पास रखा, आपने उस राज्य को शत्रु के हाथों में सौंप दिया। आपको शर्म नहीं आई महाराज? आपने तो ऐसे सौंप दिया जैसे कोई व्यक्ति अपने कुलों कुलीन और सुंदर वधु को दूसरे के हाथों में सौंप देता है। यहाँ पर व्यंग्य कर रही है द्रौपदी कि आपने राज्य ही नहीं सौंपा, आपने तो मुझे भी सौंप दिया था, कुलीन वधु को भी सौंप दिया था, चीरहरण हो गया था मेरा वहां पर। द्रौपदी कह रही है कि राज्य आपने अपने पराक्रम से नहीं कमाया था, अपने पराक्रम से अर्जित नहीं किया था, बल्कि हे महाराज स्ववंशजे आपके पूर्वजु भूपति राजाओं द्वारा, स्ववंशजे भूपति भी आपके पूर्वज राजाओं के द्वारा धृता धारण की गई मही इस पृथ्वी को। ये जो पृथ्वी है ना, मही मतलब पृथ्वी राज्य, ये राज्य स्ववंशजे आपके पूर्वज भूपति भी राजाओं द्वारा धृता धारण की गई थी, अर्जित की गई थी। किसके द्वारा? पूर्वजों के द्वारा। कैसे थे आपके पूर्वज? आखंडल तुल्य धाम भी। आखंडल कहते हैं इंद्र को, इंद्र के समान धाम, धाम मतलब पराक्रम, इंद्र के समान पराक्रमी थे आपके पूर्वज। आखंडल तुल्य धाम भी स्ववंशजे भूपति भी, इंद्र तुल्य पराक्रम वाले आपके पूर्वज राजाओं द्वारा अखंडम अखंड रूप में पूर्ण रूप में चिरम लंबे समय तक धृतामही धारण की गई इस पृथ्वी को, धारण किए गए इस साम्राज्य को त्वया आपके द्वारा आत्महस्तेन अपने हाथ से अपवर्जिता त्याग दिया गया। आपने अपने हाथ से इस राज्य को शत्रु के हाथों में फेंक दिया जुए में। किसके समान? जैसे मदच्युता मतंगजेन, जैसे मतंगज, मतंगज कहते हैं हाथी को, कैसा हाथी? मदच्युत मदमस्त हाथी। जिस प्रकार कोई मदमस्त हाथी श्रग, श्रग कहते हैं माला को, मदमस्त हाथी के गले में यदि कोई माला डाल दे तो वह सूंड से उस माला को उठा के फेंक देता है, उसी प्रकार आपके पूर्वजों ने आपके गले में ये राजलक्ष्मी रूपी माला डाली थी, ये राज्य सौंप के गए थे आपके पूर्वज, और आपने उस मदमस्त हाथी की तरह इस राज्य को शत्रु के हाथों में फेंक दिया। द्रौपदी युधिष्ठिर को खरी खरी सुना रही है, खरी खोटी सुना रही है। कैसे क्षत्रिय हो आप, कैसे उत्तराधिकारी हो आप? आपने अगर कोई चीज़ अपनी मेहनत से कमाई है, मेहनत से बसाई है, तो आप उसको बेचो, नो प्रॉब्लम। लेकिन पूर्वज अगर छोड़ के गए हैं तो उस चीज़ को बेचने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और बेचो, लेकिन जितनी वो छोड़ के गए हैं पहले उतनी बसाओ और फिर बेचो। प्लस में छोड़ो, माइनस में करके मत जाओ इस दुनिया से। वही बात द्रौपदी कर रही है कि आपने नहीं अर्जित किए पृथ्वी तो पूर्वजों ने किए। कैसे पूर्वज? अखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र तुल्य पराक्रम वाले पूर्वजों ने अखंडम इस अखंड साम्राज्य को चिरम लंबे समय तक धृता धारण किया था, जिसको आपने त्वया आपके द्वारा आत्मस्तेन अपने हाथ से ही मदच्युता मतंगजेन मदमस्त हाथी के समान, हाथी के द्वारा माला जैसे फेंके जाते हैं उसकी तरह आपने भी अपवर्जिता फेंक दिया इस पृथ्वी को, शत्रु के हाथों में जुए में फेंक दिया। फिर आगे द्रौपदी कहती हैं कि व्रजंती ते मूढ़धिये पराभवम भवंती माया विषुये न मायिना प्रविश्य ही गणंती सटास्तता विधान असमृतांगा निश्चिता इवेश्व। द्रौपदी कहती हैं कि मूढ़ धिये वे मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजंती, पराजय को प्राप्त करते हैं, पराजय को जाते हैं।
कौन से मूर्ख बुद्धि लोग? ये जो मायाविशु मायावी लोगों के साथ माइनह न बवंती मायावी नहीं बनते, जो कपटियों के साथ कपटी नहीं बनते, जो छली लोगों के साथ छल का आचरण नहीं करते, ऐसे मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजन्ति पराजय को प्राप्त करते हैं हमेशा, पराभव को प्राप्त करते हैं, कभी जीत नहीं सकते। सठे साठ्यम समाचरेत आर्जोम ही कुटिलेषु न नेति, सठे साठ्यम समाचरेत, द्रुत के साथ द्रुतता का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट चरितम में कहा है कि आर्जोम ही कुटिलेषु न नेति, कुटिल लोगों के साथ सरलता का व्यवहार उचित नहीं है। वही बात यहाँ कर रहा है भारवी द्रौपदी के माध्यम से कह रहे हैं कि मायावी के साथ जो माया का आचरण नहीं करते वे तो पराभव मर्जंती, वे मूढ़ दिए, वे तो मूर्ख कहलाते हैं और वे तो हमेशा पराजय को ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण देती है द्रौपदी, वह कहती हैं कि षठा, षठ अर्थात नीच व्यक्ति, मायावी व्यक्ति, तथा विधान, उस प्रकार के लोगों को, किस प्रकार के, जो मायावी के साथ माया का आचरण नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ, तथा विधान, उस प्रकार के लोगों के पास प्रविश्य, पास आकर के, सठा धूर्त लोग, नीच लोग, तथा विधान, जो मायावी के साथ माया का आचरण नहीं करते, ऐसे लोगों के प्रविश्य, पास आकर के, गणन्ति, उनको मार देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार असंवृतांगान, असंवृतांगान जिसके अंग संवृत नहीं है, जिसके अंग ढके हुए नहीं है कवच से, असंवृतांगान मतलब कवच रहित, न संवृतांगान इति असंवृतांगान, जिसके अंग कवच से संवृत ढके हुए नहीं है अर्थात कवच रहित, जिस प्रकार कवच रहित व्यक्ति को निशिता ईश्व, निशित कहते तीखे और ईशव यानी बाण, इव समान, जिस प्रकार निशिता ईश्व तीखे बाण असंवृतांगान कवच रहित व्यक्ति को घनंती मार देते हैं, उसी प्रकार तथा विधान अमायावी व्यक्ति को छठा घनंती धूर्त व्यक्ति मार देते हैं। इसलिए जो मायावी के साथ माया का आचरण नहीं करते, कपट के साथ कपट का आचरण नहीं करते, ते मूर्ख मूढ़ दिए हुए मूर्ख बुद्धि लोग पराभवम व्रजन्ती हमेशा पराजय को ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को मूर्ख बुद्धि कर रही है कि मूर्ख हो आप, सरलता को लेके बैठे हुए हो। अगले पद्य में और बड़ी बात कहती है द्रौपदी। इस पद्य में द्रौपदी कह रही है गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परेस्त्वदन्ने कैवापहारयन् मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्। द्रौपदी कह रही है कि आपने तो इस राजलक्ष्मी को शत्रु के हाथों में सौंप दिया, जैसे कोई अपनी पत्नी को शत्रुओं के हाथों में सौंप देता है उसकी तरह। एक तीर से दो निशान लगा, निशाने लगा रही द्रौपदी। वह कह रही है कि त्वद अन्य है, और वह कह रही है कि ये जो काम करता है ना, जो अपनी कुल वधु को शत्रु को सौंप देता है, अपनी राजलक्ष्मी को अपने राज्य को जुए में शत्रुओं को सौंप देता है, ऐसा आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। त्वदन्य है आपके अतिरिक्त, त्वदन्य आपके अतिरिक्त कुलाभिमानी, ऐसा कौन कुलाभिमानी राजा होगा जिसको अपने कुल पर अभिमान है, ऐसा कुलाभिमानी राजा अपने कुल की वधु को शत्रु को कैसे सौंप देगा? ये काम तो महाराज आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो धन्य है आपके अतिरिक्त कह कुलाभिमानी, ऐसा कौन सा कुलाभिमानी राजा होगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपके किसी चीज का अभाव है इसलिए आपको सौंपनी पड़ रही है अपनी कुलवधु शत्रुओं के हाथों में। अनुरक्त साधना गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना,
अनुरक्त साधन वाले हो, अनुकूल साधनों वाले हो आपके, आप तो आपके पास तो सब साधन थे, पूरा साम्राज्य था, राजा थे आप तो अनुरक्त साधन अनुकूल साधनों वाले, अनुकूल साधनों वाला कुलाभिमानी तो धन्य आपके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त अनुकूल साधनों वाला और कुलाभिमानी क नराधिप, ऐसा कौन सा राजा होगा जो कुलजाम कुलीन गुणानुरक्ताम गुणों में अनुरक्त, ऐसा कौन सा राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त, ऐसी वधु ऐसी पत्नी जो अपने गुणों में अनुरक्त हैं, अपने में आसक्त है, अपने से प्रेम करती है फिर भी उसको सौंप दोगे, प्रेम नहीं करती लड़ती है रोजी तो वो बात अलग है, मान लीजिए सौंपने फिर भी नहीं चाहिए, फिर भी मान लो अगर अनुरक्त नहीं है, बेवफा है, जाने के लिए कह दिए चल जाओ तेरी मर्जी आई जा, लेकिन गुणानुरक्ताम जो अपने गुणों में अनुरक्त हैं, प्रेम करते अपने से हैं, और कुलजाम जो कुलीन हैं, जिसका आचरण भी कुलीन है पवित्र हैं, और मनोरमाम जो सुंदर हैं, तो जो गुणों में अनुरक्त हैं कुलीन हैं और सुंदर हैं, ऐसी आत्मवधूम ऐसी कुल वधु के समान श्रीयम राजलक्ष्मी को त्वदन्य महाराज आपके अलावा शत्रुओं के हाथों में क अपहारयत, कौन अपहरण करवाएगा, आपने तो कुल वधु के समान राजलक्ष्मी का ही अपहरण करा दिया शत्रुओं के हाथों, आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। द्रौपदी कह रही है हे महाराज त्वदन्य आपके अतिरिक्त अनुकूल साधन है कुलाभिमानी राधिपक, अनुकूल साधनों वाला कुलाभिमानी राजा आपके अतिरिक्त और कौन होगा जिसने गुणों में अनुरक्त कुलीन और सुंदर कुल वधु के समान श्रीयम इस राजलक्ष्मी को अपहारयत, जो जिसने शत्रुओं से अपहरण करवा दिया, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो आपके अतिरिक्त, ऐसा कोई नहीं है जो ऐसी कुलवधु के समान राजलक्ष्मी को शत्रुओं से अपहरण करवाएगा, इसे तो आप ही हो सकते हो, ये काम आप ही कर सकते हो। सुन रहा है युधिष्ठिर बेचारा, द्रौपदी सुना रही है और आगे बढ़ती है और द्रौपदी कहती है भवंत में तर ही मनस्वी गर्ते विवर्तमानम नर देव वर्तमनी कथम न मन्योर ज्वलयत्युदीरित शमी तरुम शुष्कमिवाग्निरुच्छिक। द्रौपदी कह रही है कि हे नरदेव हे राजन, आप इस समय जिस मार्ग में जी रहे हो ना, इस मार्ग की वीर लोग निंदा करते हैं, वीर कभी दुर्दशा में नहीं रहता बल्कि अपनी वीरता के दम पर उस दुर्दशा को त्याग करके और परिस्थितियां बदल देता है, लेकिन आप सत्यवादी बनकर बैठे हुए हो और इस दुर्दशा का जीवन जी रहे हो, इतने पराक्रमी भाई आपके साथ है उसके बावजूद आप जिस दुर्दशा में रह रहे हो, ये जो जिस रास्ते में आप जी रहे हो ना, इसकी वीर कभी भी प्रशंसा नहीं करते, वीरों द्वारा निंदित मार्ग हैं जिस पर आप जी रहे हो। हे नरदेव हे राजन, मनस्वी गर्हिते, मनस्वी मतलब वीर स्वाभिमानी, मनस्वी गर्हिते गर्हित मतलब निंदित, वीरों द्वारा निंदित वर्तमनी मार्ग पर, वर्तम कहते हैं मार्ग को, वीरों द्वारा निंदित मार्ग पर विवर्तमानम चलते हुए भवंतम आपको, एतर ही मतलब इस, हे नरदेव हे राजन, एतर ही इस मनस्वी गरीते वीरों द्वारा निंदित वर्तमनी मार्ग पर विवर्तमानम चलते हुए भवंतम आपको, मन्यु हूं, अपने आप पर क्रोध नहीं आ रहा क्या, ये मन्यु ये क्रोध कथम न ज्वलयति, जला क्यों नहीं देता, उदीरित उत्पन्न, वीरों द्वारा निंदित मार्ग पर चलते हुए आपको क्रोध
उदीरितः मन्यु, उत्पन्न क्रोध कथम न ज्वलयति, जला क्यों नहीं देता? प्रतिशोध की ज्वाला आपको जला क्यों नहीं देती? जिस प्रकार उच्छिकः अग्नि, उच्छिकः ऊंची ऊंची लपटों वाली, ऊंची ऊंची शिखाओं वाली अग्नि जिस प्रकार सूक्ष्म शमी तरुम, सूखे शमी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार ये क्रोध आपको जला क्यों नहीं देता? इस दुर्दशा को आप भोग रहे हो, विरोध और निंदित मार्ग पर आपको चलना पड़ रहा है, फिर भी आपको क्रोध नहीं आ रहा। इस मार्ग पर चलते हुए तो आपको क्रोध आ जाना चाहिए और उस क्रोध से आप अंदर ही अंदर जल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी जला क्यों नहीं दे रहा वो क्रोध आपको? फिर आगे कहती हैं, अवंदे कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुनां न जाति हार्देन न विद्विषादरः। द्रौपदी कह रही है कि मनुष्य को क्रोध तो आना ही चाहिए, जो क्रोध रहित होते हैं ना उसके कोई उसका कोई सम्मान नहीं करता। शत्रुओं के प्रति क्रोध आना चाहिए और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। द्रौपदी कह रही है कि अवंदे कोपस्य, अमोघ क्रोध वाला, अवंदे यानी अमोघ, कोप मतलब क्रोध, जिसके पास क्रोध रूपी अमोघ वस्त्र अस्त्र हैं, और आपदाम विहंतुः, जो आपत्तियों को नष्ट करता है, जो शत्रुओं के प्रति क्रोध करता है और मित्रों को, मित्रों की सहायता कर आपदाम विहंतु उनकी विपत्तियों को हरता है, ऐसे व्यक्ति के लिए देहिना प्राणी स्वयमेव खुद ही वश्या भवन्ति, वशीभूत हो जाते हैं। सभी प्राणी, सभी लोग ऐसे व्यक्ति के स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं जो अवंदे कोपस्य, जिसके पास क्रोध रूपी अमोघ अस्त्र हैं और विहन आपदाम विहंतु, जो आपत्तियों का विनाशक है, मित्रों की आपत्तियों को नष्ट करता है और शत्रुओं के प्रति क्रोध दिखाता है। सभी प्राणी ऐसे व्यक्ति के स्वयं ही वश में आ जाते हैं, मित्र भी वश में रहते हैं और शत्रु भी वश में रहते हैं, लेकिन आपको तो क्रोध ही नहीं आ रहा। अमर्ष शून्येन जनस्य जन्तुनां न जाति हार्देन न विद्विषादरः। वो द्रौपदी कह रही है कि अमर्ष शून्येन विद्विषा, अमर्ष शून्येन विद्विषा, अमर्ष शून्य, अमर्ष कहते क्रोध को, क्रोधो अमर्ष द्रोह अपकार कारक में आता है ना, क्रोध द्रोहेर्ष्य असूयार्थानां यम प्रतिकोप, उस सूत्र के प्रसंग में आता है। अमर्ष मतलब क्रोध, अमर्ष शून्येन क्रोध रहित विद्विषा शत्रु से, अमर्ष शून्येन यहाँ पर विद्विषा का विशेषण है, अमर्ष शून्येन विद्विषा क्रोध रहित शत्रु का, क्रोध रहित शत्रु से दरह न, दर कहते हैं भय को, दर का अर्थ है यहाँ पर भय, क्रोध रहित शत्रु से दरह न, कोई डरता नहीं है, इसलिए क्रोध तो आना ही चाहिए। और जात हार देन जंतुना, न जात हार देन जंतुना, न जात हार देन जंतुना, जात हार्द का मतलब स्नेह, और न जात हार्द जिसको स्नेह नहीं है, मित्रों से प्रेम नहीं है, स्नेह रहित मित्र का आदर न। यहाँ पर शत्रु के पक्ष में तो इसका जो विच्छेद होगा ना वो विद्विषा दरह होगा, और मित्र के पक्ष में विग्रह होगा विद्विषा आदर, इस तरह से। तो अमर्ष शून्येन विद्विषा, क्रोध रहित शत्रु से दरह न, किसी को भय नहीं होता, और न जातहार देन स्नेह रहित, जातहार्द मतलब स्नेह युक्त, न जातहार्द मतलब स्नेह रहित, और न जातहार देन जंतुना, स्नेह रहित मित्र से आदर न, कोई उसका आदर नहीं करता। तो क्रोध रहित से कोई डरता नहीं है और स्नेह रहित का कोई आदर नहीं करता, इसलिए शत्रु के प्रति क्रोध आना तो परम आवश्यक है। इसलिए आपको क्रोध आना चाहिए महाराज, आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा? ऐसा क्रोध आना चाहिए जिससे आप स्वयं ही अंदर से जल उठो।
चौंतीसवें पद्य में द्रौपदी कह रही हैं, परिभ्रमण लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरुषित महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनो तीनों क्वचिदयम वृकोदर। हे महाराज, ये भीम जो आपका छोटा भाई है, ये कभी रक्त चंदन लगाता था जब महलों में रहते थे। आज वही भीम रक्त चंदन के बजाय ये जंगल की जो मिट्टी उड़ती है ना, उसकी धूल लगाता है। धूल से भर गया इसका शरीर, चंदन नहीं लगाता आजकल, इसका शरीर धूल से दूषित हो रहा है। और धूल से दूषित हो करके ये पैदल ही, पहले रथ पर चलता था और आजकल पैदल ही जंगल जंगल घूम रहा है, एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूम रहा है। इसको देख कर तो आपको दया आ रही होगी, अब तो क्रोध कीजिए। द्रौपदी कह रही हैं कि लोहित चंदनोचित रक्त चंदन लगाने वाला और महारथ, लोहित चंदनोचित रक्त चंदन लगाने वाला और महारथ महान रथ पर सवार होने वाला अयम वृकोदर, यह भीम। वृकोदर शब्द का प्रयोग यहाँ पर भीम के लिए किया गया है। वो यह वृकोदर यह भीम रेणुरुषित धूलि दूषित होकर के अंतरगिरी एक पर्वत से दूसरे पर्वत में पदाति पैदल ही परिभ्रमण घूम रहा है। ऐसे धूलि दूषित होकर के एक पर्वत से दूसरे पर्वत में घूमने वाला अयम वृकोदर यह भीम सत्य धनस्य सत्य को ही धन मानने वाले आपके मानसम मन को क्वचित नो दुनोती व्यथित क्यों नहीं कर रहा है, आपके मन को ये व्यथित क्यों नहीं कर रहा है, इसको देखकर तो आपका मन व्यथित हो जाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, ये तो भीम की बात हुई, अब अर्जुन के लिए द्रौपदी कर रही हैं, विजित्य यह प्राज्यमय छदुत्तरान कुरु न कुप्यम वसुवासोपमः सवल्कवासांसि तवाधुनाहरन करोति मन्युम न कतम धनंजय। द्रौपदी कह रही हैं, और अर्जुन ये आपका छोटा भाई, ये अर्जुन किसी समय जब युद्ध करने जाता था उत्तर कुरु की ओर, तो उत्तर कुरु को जीत करके वहाँ से सोना लूट कर लाता था और आपको सोना सौंपता था कि लीजिए महाराज ये सोना मैं लूट के लाया हूँ। और वही अर्जुन आज आपके कारण पेड़ों की छाल लेकर के आ रहा है, वलकल वस्त्र लेकर के आ रहा है और वलकल वस्त्र आपको सौंप रहा है कि महाराज लो पहन लो, जो कभी सोना लूट कर लाता था युद्ध में जाकर के वो सोना आपको सौंपता था, और आज पेड़ की छाल के वस्त्र आपको सौंप रहा है। इसको देखकर तो कम से कम आप क्रोध कीजिए शत्रुओं पर, इसकी दशा देख कर तो। द्रौपदी कह रही हैं कि महाराज यह धनंजय, यह जो धनंजय अर्जुन, जो अर्जुन कैसा अर्जुन, वासवोपम वासव उपम, वासव मतलब इंद्र, इंद्र के समान उपमा है जिसके, मतलब इंद्र तुल्य, यह वासवोपम धनंजय जो इंद्र तुल्य अर्जुन, उत्तर कुरुन विजित्ते, उत्तर कुरुन विजित्ते, उत्तर कुरु जनपद है, उत्तर कुरु को जीत करके और प्राज्यम अकुप्यम, प्राज्यम अकुप्यम, अकुप्य कहते हैं सोने को, प्राज्य यानी प्रभुत प्रचुर, प्रचुर सोना रूपी वसु धन अयच्छत आपको प्रदान करता था। ये वासवोपम धनंजय जो इंद्र तुल्य इंद्र अर्जुन, उत्तर कुरुन विजित्य उत्तर कुरु को जीत करके प्राज्यम प्रचुर अकुप्यम स्वर्ण रूपी वसु धन अयच्छत आपको प्रदान करता था। स वही अर्जुन अधुना आजकल वल्कवाशांसी पेड़ों की छाल वल्कल वस्त्र हरण ला करके आपको तव आपको दे रहा है, इसको देख कर तो कथम न मन्युम करोती, इसको देख कर भी आप मन्युम कथम न करोते, फिर भी क्रोध क्यों नहीं कर रहे शत्रुओं पर, इसकी दशा देख कर तो आपको शत्रुओं पर मन्यु आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। आगे कहते हैं, और ये नकुल सहदेव इनकी दशा तो देखो आप, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व गिवागयो गयो कथम त्वमेतो धृति संयमो यमो
विलोकयन उत्सहते न बाधितुम। कहते हैं द्रौपदी कह रही है कि वनांत शैया अर्थात जंगल में सोने के कारण, वन में ही सोने के कारण कठिनीकृत आकृति यानी शरीर, जिनका शरीर कठिनीकृत कठोर हो गया है, वन में सोने के कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है, और विश्वक का अर्थ है चारों ओर, जिनके चारों ओर कचाचितो कच यानी बाल, जो सारों हर तरफ से बालों से व्याप्त हो गए हैं, जिनके बाल बड़े बड़े हो गए हैं, कटिंग ही नहीं हो रही जिनकी, नकुल सहदेव द्विवचन है विश्व, और जो चारों ओर से सर्वांग रूप से कच अचितो बालों से व्याप्त हो गए हैं, और अगजो गजो विश्वग इव अगजो गजो। अग कहते हैं पर्वत को, अगात जायते इति अगज, पर्वत से उत्पन्न होने वाला, और गज मतलब हाथी, तो अगज यानी पर्वतीय, गज यानी हाथी, पर्वतीय हाथियों के इव समान, अग यानी पर्वत, अगज यानी पर्वतीय, और गज मतलब हाथी, जो पर्वतीय हाथियों के समान चारों ओर से बालों से व्याप्त होकर हो गए हैं, ऐसे यमो, यम यानी युगल, ऐसे युगल जुड़वा एतो इन दोनों नकुल और सहदेव को विलोकयन देखते हुए त्वम आप कथम क्यों धृति संयमो बाधितुम न उत्साह से, इनको देखकर आप धैर्य और संयम को बाधितुम त्यागने के लिए कथम न उत्साहते, क्यों नहीं उत्साहित हो रहे हो, इनको देखकर तो कम से कम आप धैर्य और संयम को त्यागने के लिए उत्साहित हो, इनकी क्या दशा हो रही है विचारों की। तो 34 में भीम की दशा बताई, 35 में अर्जुन की दशा बताई, और 36 में नकुल सहदेव की दशा बताई। 37वें पद्य में कह रही है द्रौपदी इमामहं वेद न ताव किं क्रियां, इमामहं वेद न ताव किं धियं, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसवं ममादये। द्रौपदी कह रही है कि इस समय अहम मैं ताव किं आपकी इमाम धियम इस बुद्धि को न वेद नहीं जानती, इस समय मुझे पता नहीं है आपकी बुद्धि कैसी, आप क्या सोच रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानती, क्योंकि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति, प्रत्येक व्यक्ति की चित्तवृत्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की चित्त की दशा भिन्न भिन्न होती है, सोचने की दशा भिन्न भिन्न होती है, फिर भी भवत पराम आपदम आपके ऊपर आने वाली जो घोर विपत्ति है, पराम आपदम आपके ऊपर आने वाली घोर विपत्ति को विचिंतयत्या विचार करती हुई, आपके ऊपर आने वाली घोर विपत्ति के बारे में सोचती हुई ममाधय मेरी आधियां मेरी मनोव्यथाएं मुझे प्रसभम बलपूर्वक हटात बलपूर्वक चेतः मेरे चित्त को रुजंती पीड़ित कर रही है। यहाँ पर सूक्ति आएगी विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त, ये किसकी उक्ति है द्रौपदी की। उसके बाद 38वें श्लोक में कहती हैं द्रौपदी और आपकी क्या दशा हो रही है महाराज, आप खुद के बारे में तो सोचो। पुरा दिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यशेय स्तुति गीति मंगले अदभ्रदर्भाम अधिशय्य सस्थलिम जहासि निद्राम अशिवे शिवारुते। इसमें कह रही है द्रौपदी कि महाराज आप पहले महाधनम बहुमूल्य शयनम शैया पर सोते थे, अधिरूढ़ होते थे सोते थे, कब पूरा पहले यह जो, और जो आप पूरा पहले महाधनम शयनम बहुमूल्य पलंग पर अधिरूढ़ सोते थे, और स्तुति गीति मंगले और स्तुति मंगल गीतों से विबोध्य से जगाए जाते थे,
सुबह फेरी वाले आते थे, भगवान का भजन करते थे, स्तुति गीत गाते थे, भगवान की भगवान का नाम लेते थे फेरी वाले, और उनसे आप जागते थे, स्तुति गीतों से जागते थे, आपकी प्रशंसा में लोग गीत गाते थे, उनसे आप जागते थे। और वही आप आजकल स वही युधिष्ठिर वही आप अब क्या हैं, अदब्र दर्भाम अधिशयी, अदब अदर्भ अदब्र दर्भाम, दर्भ यानी कुश, और नुकीले कुशों पर अधिशय सोते हो, कुश को काट लिया तो बचा क्या, नुकीले डेंटल बचे, इन पर सोते हो, ऐसी स्थली ऐसी ऐसी स्थल ऐसी भूमि पर सोते हो, और शिवारुते निद्राम अशिवेह, अशिव शिव मतलब मंगलकारी, अशिव यानी अमंगलकारी, और पहले तो आप स्तुति गीतों से जागते थे, और आप आज अशिवे शिवारुते, अशिव यानी अमंगल, शिवारुते यानी गीदड़, गीदड़ों की आवाज, अमंगलकारी गीदड़ों की आवाज से निद्राम जहाती निद्रा त्याग, निद्राम जहासी निद्रा त्यागते हो, पहले तो स्तुति गीतों से जागते थे, और आज आप गीदड़ों की आवाज से जागते हो, आपकी क्या दशा हो रही है, कम से कम खुद पर तो विचार कीजिए। अगला श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, 41वां। द्रौपदी कहती है, द्विषन्निमित्ता यदि यम दशा ततः समूल मुन्मूलयती मे मन परेर पर्याशित वीर्य संपदाम पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। द्रौपदी कह रही है, यदि यद इयम दशा, आपकी जो ये दशा है, यद इयम दशा आपकी जो ये दशा हुई है ना, अभी जो वन में रहना पड़ रहा है, ये द्विषन निमित्ता, द्विषन यानी शत्रु, ये शत्रु के कारण हुई है, ये आपकी दशा स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, प्रकृति के प्रकोप से नहीं हुई, देव योग से नहीं हुई, बल्कि द्विषन निमित्ता शत्रु के कारण हुई है आपकी ये जो दशा की है ना, वन में जंगल जंगल भटकने की, ये शत्रु ने की है, और यही बात मैं मन मेरे मन को समूलम जड़ सहित उन्मूलयति उखाड़ रही है, यही बात मेरे मन को जड़ सहित उखाड़ रही है कि आपकी ये दशा शत्रुओं ने की है, अगर शत्रुओं ने नहीं की होती, भाग्य से ही होती, दुर्भाग्य से ही ऐसी दशा हो जाती, प्रकृति प्रकोप से होती, देवयोग से होती, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन शत्रुओं ने की है आपकी ये दशा। परेर अपरियाशित वीर्य संपदाम पराभवोपुत्सव एव मानिनाम, परेह परे यानी शत्रु, परेह अपरियाशित, परेह अपरियाशित, परे यानी शत्रुओं द्वारा अपरियाशित यानी नष्ट नहीं की गई, परियाशित मतलब नष्ट करना, अपरियाशित मतलब नष्ट नहीं करना, परे शत्रुओं द्वारा अपरियाशित नष्ट नहीं की गई है वीर रूपी संपदा जिनकी, बहुव्रीहि समास है, शत्रुओं के द्वारा नष्ट नहीं की गई है वीर रूपी संपदा जिनकी, अर्थात जिनको शत्रुओं ने पराजित नहीं किया है, ऐसे लोगों का यदि पराभव हो जाता है देवयोग से, उनकी अवनति हो जाती है, उनकी दुर्गति हो जाती है, तो उनकी ऐसी पराभव, उनकी ऐसी दुर्गति भी मानी नाम, स्वाभिमानियों की ऐसी दुर्गति भी उत्सव उत्सव की तरह होती है, अगर देव योग से पराभव होता है तो वो तो स्वाभिमानियों के लिए उत्सव के समान है, लेकिन आपका जो ये पराभव हुआ है ना, ये देव योग से नहीं हुआ महाराज, द्विषन निमित्ता शत्रु ने किया है, इसलिए ये बात मेरे मन को जड़ सहित उखाड़ रही है, व्यथित कर रही है। आगे द्रौपदी कहती है, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः प्रशीत संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजन्ति शत्रून अवधूय निष्प्रहा समेन सिद्धिम मुनयो न भूव्रत, शुक्ति है ये, समेन सिद्धिम मुनयो न भूव्रत। द्रौपदी कह रही है कि हे नृप, हे राजन, शांतिम विहाय, शांति को त्यागो, अब तो शांति को त्याग कर धाम, अपने पराक्रम को, धाम यानी पराक्रम बल, पराक्रम को संदेही, पुनः संदेही फिर से धारण करो, किसके लिए, विद्विषाम वधाय, शत्रुओं का वध करने के लिए, और
प्रसिद्ध प्रसन्न होइए और शत्रुओं का वध करने के लिए धाम अपने पराक्रम को पुनः संदेही फिर से धारण कीजिए, बल को धारण कीजिए और शांतिम विहाय शांति को त्यागिए। ये जो शांति है ना, शांति से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि निष्प्रहा मुनयः, निष्प्रह जो मुनिजन हैं वे लोग शत्रुन समेन शांति के द्वारा शत्रुन अवधूय शत्रुओं को जीत करके, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं को जीत करके समेन शांति के द्वारा, शांति से जीतते हुए इन शत्रुओं को। तो निष्प्रहा मुनय, निष्प्रह मुनिजन समेन शांति के द्वारा शत्रुन अवधूय काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत करके सिद्धिम व्रजंती सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। भूव्रत न राजा लोग नहीं करते, मुनिजनों को शांति से सिद्धि मिलती है, राजाओं को शांति से सिद्धि नहीं मिलती, राजाओं को तो सिद्धि पराक्रम से ही मिलती है। द्रौपदी कह रही है कि ये शांति तो मुनियों का आभूषण है, राजा लोगों को शांति शोभा नहीं देती। प्रकर्ष तंत्रा ही रणे जय श्री किराता जो नियम में आगे आती है सूक्ति एक, रण में तो जो विजय लक्ष्मी होती है ना प्रकर्ष तंत्रा शक्तिशाली का ही वर्णन करती है, इसलिए आप शांति को छोड़िए। फिर आगे कहती है द्रौपदी, पुरशराम धाम वताम यशोधना सुदुस्सहम प्राप्य निकारमी दृशम बवा दृशाश्चेद अधिकुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्विता। उसमें द्रौपदी कहती है कि महाराज आप धामवताम, धामवताम यानी पराक्रम पराक्रमी बलशाली, आप बलशालियों में पुरशरा अग्रेसर हो, अग्रणी हो, बलशालियों में अग्रणी हो, पराक्रमियों में अग्रणी हो, यशोधना यश को ही धन मानने वाले हो, यशस्वी हो, और आप जैसे बलशालियों में अग्रणी और यश को ही धन मानने वाले भवादृशा आप जैसे लोग ही यदि ईदृशम इस प्रकार के दुस्संयम निकारम असहनीय तिरस्कार को प्राप्य प्राप्त करके रतिम अधिकुर्वते संतोष कर लेंगे, संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे, तो जो मनस्विता जो स्वाभिमान है ना, ये स्वाभिमान तो निराश्रया निराशित होकर के हता मर जाएगा बेचारा। स्वाभिमान किसके भरोसे जीवित रहेगा, जित आप जैसे स्वाभिमान लोग ही अपमान को सहन करके अपमान का घूंट पीकर संतुष्ट हो जाओगे तो फिर स्वाभिमान किसके सहारे जीवित रहेगा, वो भी मर जाएगा। द्रौपदी की उक्ति है ये, निराश्रया हंत हता मनस्विता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार और देखें, द्रौपदी कह रही हैं कि हे महाराज धाम वताम पुरशरा बलशालियों में अग्रणी, यशोदना यश रूपी धन वाले भवादृशा आप जैसे लोग ही ईदृशम दुस्संयम निकारम इस प्रकार के असह्य निकारम तिरस्कार को प्राप्य पा करके रतिम अधिकुर्वते संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर मनस्विता, तो ये जो स्वाभिमान है ना वो तो निराश्रया निराशित होकर के हता नष्ट हो जाएगा। हंत बड़े खेद की बात है। इस तरह से द्रौपदी युधिष्ठिर को खरी खोटी सुनाती है, यह कहकर द्रौपदी चुप हो जाती है। फिर भीम बोलता है, लेकिन वह द्वितीय सर्ग में बोलता है, जिसकी बात फिर कभी मौका मिला तो करेंगे। प्रथम सर्ग तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब प्रथम सर्ग में कौन कौन सी सूक्तियाँ परीक्षा में आने लायक हैं वो सूक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि ये सूक्तियाँ सब वही हैं जो भी श्लोकों में हमने पढ़ी है श्लोक के रूप में, जैसे नहि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हि तेषिणा क्रियासु युक्ते नृप चार चक्षुष न वंचनीया प्रभु अनुजीवी भी हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, ये सार के रूप में सारी सूक्तियाँ भी इसमें दी गई हैं। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिर विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तये पराभवोपुत्सव एव मानिनाम समेन सिद्धि मुनियो न भूव्रत निराश्रया हंत हता मनस्विता। ये सारी सूक्तियाँ भी यहाँ पर सार रूप में दी गई हैं। किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में एक से बढ़कर एक सूक्तियाँ हैं। निराश्रया हंत हता मनस्विता, देखो आप, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय पराभवोपुत्सव एव मानिनाम प्रवृत्तिशारा खलु मादृशाम गिर, बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ हैं।
ठीक है, इनको आप याद रखें, सारे श्लोकों को आप आज हमने कथा वस्तु के साथ प्रसंग के साथ बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आप इन श्लोकों का अर्थ, ये सूक्तियाँ और इनमें से किस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, इन सभी चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगली क्लास में एक नए ग्रंथ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।